संजय फ्रॉम रिस्ट पुस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के ऊपर मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ। डॉक्टर नवदीप शर्मा जी जो कि वर्ल्ड में जाने जाते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली फॉर द क्रॉनिक एलिमेंट्स, तो उनकी गाइडलाइंस में हमारी हर बार यही कोशिश रहती है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जा सके स्वास्थ्य संबंधी। तो आज जैसा कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस होता क्या है। जब एक हेपेटाइटिस का वायरस किसी के ब्लड में एंटर कर जाता है, तो उस व्यक्ति को बोल दिया जाता है कि तुमको हेपेटाइटिस हो गया है, बट ऐसा असल में हुआ नहीं होता है। जस्ट एक वायरस है जो कि उसके ब्लड में एंटर कर गया है, लेकिन वो व्यक्ति घबरा कर और अपनी रिपोर्ट को नेगेटिव करने के लिए एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक जाता है, लेकिन कहीं भी उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है। जब हमारे जब उसका वायरल लोड चेक किया जाता है, तो अगर वायरल लोड ज़्यादा ना हो तो एलोपैथी में उसे बोल दिया जाता है कि 6 मंथ के बाद आपका दोबारा से वायरल लोड चेक करवाया जाएगा, तब तक आप लिवर टॉनिक्स जो हैं वो यूज़ करें। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर हमारे घर के किसी कमरे में आग लगी हो तो हमें उसे बुझाना चाहिए, ना कि वेट करना चाहिए कि वो सारे घर में फैल जाए। इसी तरह अगर एक वायरस हमारे ब्लड में एंटर कर गया है, तो उसे ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हमें वेट करना चाहिए कि वो हमारे लिवर या और ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर दे। अगर वायरल लोड ज़्यादा हो जाता है, तो एलोपैथी में उसका वायरल लोड जो है वो नील करके उसे रिपोर्ट दे दी जाती है कि देखो हमने आपका वायरल लोड नील कर दिया है, और व्यक्ति सोचता है कि वो हेपेटाइटिस नेगेटिव हो गया है, परंतु ऐसा हुआ नहीं होता है और उसकी जो एंटीजन वैल्यू है वो अभी भी जो नील नहीं हुई होती है। इस करके उसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव नहीं हुई होती है, वो अभी भी पॉजिटिव ही आ रही होती है। तो असल में हेपेटाइटिस होता क्या है? हेपेटाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। जैसा कि आप सबको पता है, लिवर हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को सही ढंग से चलाने में बहुत हेल्पफुल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो करता है लिवर, वो है बाइल सिक्रीशन, जिसकी वजह से हमारी जो डाइजेशन है वो सुचारू रूप से होती है। इसके अलावा लिवर जो है वो विटामिन B12, ग्लूकोज आदि को स्टोर करने का भी काम करता है, और इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। लेकिन जब एक हेपेटाइटिस का वायरस किसी व्यक्ति के ब्लड में एंटर कर जाता है और वो अनट्रीटेड रहता है, देन वायरस करता क्या है कि लिवर में इन्फ्लामेशन कॉज करता है, जो कि आगे चलकर अगर सही तरीके से इलाज ना किया जाए तो लिवर फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर तक पहुंच जाता है, और अंत में उस व्यक्ति को बोल दिया जाता है कि आपका लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ रिस्ट पुष्ट में हम इस वायरस के अगेंस्ट 3 प्रकार से अटैक करते हैं। जी हाँ, 3 प्रकार से जब अटैक किया जाता है इस वायरस पे, तो ये कम्प्लीटली वॉश आउट हो जाता है आपके ब्लड से। पहला अटैक जो होता है वो एंटीवायरल हर्ब्स के द्वारा होता है, जो वायरस पे डायरेक्टली अटैक करती हैं और उसे ख़त्म करती हैं। दूसरा होता है इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर हर्ब्स के द्वारा। ये हर्ब्स जो होती हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, ताकि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उस वायरस के अगेंस्ट अच्छे से लड़ सके। तीसरा है हैबिटेट डिस्ट्रक्टिव हर्ब्स। जैसा कि एक मछली को जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, वो उसका मीडिया है, उसी प्रकार वायरस भी एक मीडिया में ग्रो करता है। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्टिव हर्ब्स जो होती हैं, उस मीडिया को उसके अगेंस्ट कर देती हैं, ताकि वो आगे ग्रो ना कर सके।
इस प्रकार से अगर तीन प्रकार से अटैक किया जाता है वायरस पे, तो वायरस जो है वो कम्प्लीटली जो है ख़त्म हो जाता है। मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल हैं जो हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट का दावा करते हैं, या बहुत सी हर्ब्स हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटर हर्ब्स हैं, एंटीवायरल हर्ब्स हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्टिव हर्ब्स हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा हमारे एक बहुत ही लाभदायक प्रोडक्ट के बारे में, या यूँ कहें कि मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है इम्यूनो टैबलेट। जी, इसके नाम से पता चल रहा है कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली टैबलेट्स जो हैं वो होती हैं इम्यूनो टैबलेट। अगर हम इसके कंटेंट के बारे में जानें, तो इसमें सबसे पहले है गिलोय। गिलोय को आयुर्वेदा में अमृता का नाम भी दिया गया है, और ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक हर्ब है। हमारा जो आयुष मंत्रालय है, उन्होंने भी ये वेरीफाई किया है कि गिलोय का इस्तेमाल कर अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसकी इम्यूनिटी हमेशा बनी रहती है, बूस्टअप रहती है। दूसरा है नीम। नीम आपको भी पता है कि स्किन की प्रॉब्लम में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, तो उसकी कंसंट्रेटर फॉर्म भी हमने इसमें डाली है। तीसरा है हल्दी। हल्दी आपको पता है कि एंटीवायरल या एंटीसेप्टिक इसमें गुण होते हैं, तो उसकी भी कंसंट्रेटेड फॉर्म जो है इस टैबलेट में है। उसके बाद है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है वो उत्तम रसायनों में से एक है, जो हमारे शारीरिक बल को भी बढ़ाता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इसके साथ साथ इसका एक और गुण होता है, ये अडेप्टोजेनिक है, यानी कि हमारी बॉडी को अडेप्ट करता है किसी भी कंडीशन में जीने के लिए। इसके बाद है कालमेघ। कालमेघ जो है वो लीवर के लिए बहुत ही यूजफुल हर्ब है, तो उसकी भी कंसंट्रेटेड फॉर्म जो है इसमें डाली गई है। इसके बाद है कुटकी। कुटकी अगेन जो है वो लीवर के लिए यूजफुल है। इसके बाद है आंवला। आंवला जो है ये भी उत्तम रसायनों में से एक है, और जैसा कि आप सबको पता है कि ये विटामिन सी का रिच सोर्स होता है, और ये भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें है मुलेठी। मुलेठी जो है आम घरों में बोल दिया जाता था, जब किसी का थोड़ा सा गला खराब होता था तो उसे बोल दिया जाता था कि मुलेठी चबा लो, ये ठीक हो जाएगा। तो मुलेठी की भी कंसंट्रेटेड फॉर्म जो है इसमें डाली गई है। इसके अलावा एक और हर्ब है इसमें तुलसी। तुलसी आम घरों में पहले आंगन में हर एक के घर में जो है तुलसी का एक पौधा होता था। उसका भी साइंटिफिक रीजन है कि इसमें एंटीवायरल गुण होते हैं। तो ये सभी जो हर्ब्स मैंने आपको बताई हैं, इन सभी की कंसंट्रेटेड फॉर्म जो है वो इम्यूनो टैबलेट्स में डाली गई है, और जब व्यक्ति दो टैबलेट सुबह दो टैबलेट शाम को लेना स्टार्ट करता है, तो उसकी जो है इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती है, और वो हर प्रकार की वायरल इन्फेक्शन से बच जाता है। और तो इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और मैं जाते जाते आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसा कि COVID-19 से हम गुजर रहे हैं, उससे फाइट कर रहे हैं, तो हमारी जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, जैसा कि बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क पहनना, उस सभी का पालन करें, और अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए और अपने लिवर को बचाने के लिए यूज़ करें इम्यूनो टैबलेट्स। इसी के साथ स्वस्थ रहें, हृष्ट पुष्ट रहें। नमस्कार।